आज कोची में बेंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, 5 जनवरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता में देश के लिए बड़ा दिन। गृहमंत्री अमित शाह की लद्दाख काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता आज। आदिवासी राज्य का दर्जा देने की मांग पर होगी बातचीत। केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग बदले जाने का मामला। अहमदाबाद में आज से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। राम मंदिर और राजनीतिक हालात पर होगी मंथन। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अहमदाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। आरएसएस की बैठक में होंगे शामिल। बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स की पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा से उनके ऑफिस में 9 घंटे तक हुई पूछताछ। मुंबई में ईडी के सामने पेश हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। 55 लाख रुपए के मामले में ईडी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। एलएसी पर भारत के खिलाफ चीन की साजिश की तस्वीरें आई सामने। एलएसी पर चीन ने की युद्ध की तैयारी। सीमा पर T-69 और T-99 टैंक को किया तैनात। आतंकी संगठन आईएसआई के बातचीत के लिए अपनाया गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड और रॉकेट चैट मैसेंजर ऐप। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 44 हुआ बंद। बर्फबारी के कारण 2500 से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा। अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं। किसानों को सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसान नेताओं ने नहीं दिया कोई भी जवाब। एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव पर भी नहीं बनी बात। टिकैत ने कहा, 8 जनवरी को एमएसपी पर भी होगी बात। श्रीमती तोमर ने कहा कि किसान संगठन की तरफ से कृषि कानून रद्द करने पर अड़े रहने के कारण 8वें दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई भी रास्ता। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 जनवरी को किसानों के साथ सहमति बनने पर जताया भरोसा। कहा, सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। बैठक में मंत्री और किसानों ने 2 मिनट का मौन रखा। आंदोलन के दौरान मरे गए किसानों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। बातचीत के दौरान किसानों ने नहीं खाया सरकारी खाना। सिंघू बॉर्डर से लंगर का खाना मंगाकर किसान ने खाया। किसानों के साथ वार्ता विफल होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने फिर निर्थक वार्ता करके बैठक के लिए अगली तारीख दे दी है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की एमएसपी पर कानून की वकालत। कहा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अब नहीं चलेगी, नई रिपोर्ट की जरूरत। कंगना ने दिलजीत दोसांझ को एक बार फिर से घेरा। बर्फ का लुत्फ उठा रहे दिलजीत की फोटो ट्वीट कर लिखा कि देश में आग लगाकर किसानों को धरने पर बैठाकर लोकल क्रांतिकारी विदेश में मजे ले रहे हैं। कोलकाता में रोड शो के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप। हावड़ा में बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्यक्रम बंद करवाने का लगाया आरोप। चुनावी साल में ममता बनर्जी को आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद। चिट्ठी लिखकर केंद्र से 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे घोषित करने की मांग की। 1 साल बाद ममता बनर्जी को बंगाल के किसानों की याद आई। ममता ने बंगाल में पीएम किसान योजना को लागू करने की इजाजत दी। वीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का विवादित बयान। कहा, बीजेपी आपको पैसा दे तो ले लेना, पैसा किसी के बाप का नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन की कोशिश हुई तेज। सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर संबित पात्रा ने साधा निशाना। विपक्ष पर भारत के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान पर बीएमसी ने किया FIR। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर जाने का आरोप। बॉलीवुड ड्रग केस में एनसीबी के सामने रिया और शोविक चक्रवर्ती की पेशी। अदालत के आदेश पर हर महीने के पहले सोमवार को लगानी होती है हाजिरी। एनसीबी में गोवा और महाराष्ट्र में ड्रग सप्लाई करने के आरोप में टॉलीवुड अभिनेत्री को किया गिरफ्तार। एक्ट्रेस के पास से 400 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में फैला बर्ड फ्लू। प्रशासन ने मुर्गा पक्षियों और मछलियों के बचने पर लगाई रोक। पोंग डैम के 1 किलोमीटर के इलाके में जाने पर भी रोक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया परमिशन लेटर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी। हैदराबाद और दुबई एयरपोर्ट के बीच वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनेगा एयर
स्प्रेड कॉरिडोर हैदराबाद टू दुबई ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर के लिए एमओयू साइन। वैक्सीन को लेकर के भारत बायोटेक के सीएमडी और जीएमडी का बयान, कहा कि ये देश का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भारत बायोटेक के सीएमडी का जवाब, कहा विदेशी वैक्सीन से 65 से 70% तक साइड इफेक्ट, लेकिन भारतीय वैक्सीन से सिर्फ 15% साइड इफेक्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए केस आए सामने, जबकि 12 लोगों की हुई मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कोरोना संक्रमण से 214 लोगों की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग पहुंचा शमशान घाट हादसा, जल्द जांच पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजनगर के बाद मेरठ और मथुरा में गिरा सरकारी निर्माण, मेरठ में 3 महीने पहले ही तैयार हुए शौचालय का लेंटर गिरा, तो मथुरा के वृंदावन में गिरा निर्माणाधीन शौचालय। धर्म परिवर्तन अध्यादेश के समर्थन में 224 पूर्व अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी, पहले लिखी गई 104 पूर्व आईएएस अफसरों की चिट्ठी को बताया राजनीति से प्रेरित। मेरठ में 4 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, 2 साल की बच्ची के ही परिवार के 4 और लोग हुए नए कोरोना से संक्रमित। अयोध्या में रामलला की संध्या आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जारी करेगा आरती के पास। आज पूरे उत्तर प्रदेश में होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, लखनऊ में 12 तो प्रदेश के बाकी 74 जिलों में बनाए गए 6 वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर, विधान परिषद चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पास। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लगाया गया एस्मा, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे यूपीपीसीएल और डिस्कॉम के कर्मचारी। छात्रों के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की मुफ्त मिलेगी कोचिंग। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर झारखंड में सियासत तेज, कांग्रेस और जेएमएम ने कॉन्सेप्ट को बताया बेकार, बीजेपी नेताओं ने गिनाए फायदे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनाने की संभावना से भूपेंद्र यादव का इनकार, कहा कि सभी सियासी दलों की सहमति के बाद किया जाएगा लागू। जीपी पर आरजेडी का आरोप, अपना एजेंडा थोपना चाहती है बीजेपी, देश आरएसएस से नहीं संविधान से चलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की मूलधारा के विपरीत। मैं हूं या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।